create the test cases in such a way that the testing is done to uncover the hidden bugs and also ensure that the software is usable and reliable. अब software testers की क्या क्या objectives हैं कि वो उसका मकसद क्या है कि वो test जितनी जल्दी हो सके जितनी अर्ली फेज में हो सके प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर ले ताकि उसको रिमूव करना कॉस्ट इफेक्टिव हो. जब जैसे जैसे वो लेटर स्टेजेस में प्रॉब्लम चली जाती है तो उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. दूसरा उसका क्या मकसद है कि उसने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या करना होता है, एप्लीकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है ताकि वो फाइंड आउट कर ले कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स मिस्टेक्स एरर्स के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं. अब वो स्टडी हर लाइन ऑफ कोड को स्टडी किया जाता है ताकि उस लाइन ऑफ कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके अलावा टेस्टर का ऑब्जेक्टिव है वो टेस्ट केसेस क्रिएट करता है. जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होती है तो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट टेस्ट केसेस बनना शुरू हो जाते हैं. जैसे अगर एक रिक्वायरमेंट है R1 कि यूजर का लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन हमारी वेबसाइट पे होनी चाहिए जो कि जो यूजर रजिस्टर्ड हो उन्हीं को एक्सेस दे सके फॉर एग्जाम्पल. तो इसके अगेंस्ट हम टेस्ट केस बनाएंगे जिसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड की टेस्टिंग करेंगे. अब यूजर नेम और पासवर्ड की अगर टेस्टिंग की जाती है यूज केस के अगेंस्ट, हमने एक यूज केस है जो कि यूजर को ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज केस है और वो एक्टिव यूजर है. अब इसके अगेंस्ट हम एक टेस्ट केस बनाते हैं जो कि ये टेस्ट केसेस बनाना जो है टेस्टिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब टेस्ट केस बनने के मतलब क्या है कि जैसे एक फील्ड होगा उसमें यूजर नेम आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन का बटन होगा. अब आईडी डालेगा, हो सकता है वो आईडी खाली डाल दे, पासवर्ड भी खाली डाल दे, लॉगिन पे क्लिक करे तो वो नहीं होना चाहिए. उसके बाद एक सिनेरियो हो सकता है जिसमें वो आईडी ऐड कर दे, पासवर्ड ना डाले, खाली छोड़ दे और लॉगिन पर क्लिक करे तो तब भी नहीं होना चाहिए. थर्ड केस क्या हो सकता है कि वो आईडी नहीं डालता, पासवर्ड ऐड कर देता है और लॉगिन पर क्लिक करता है तो वो भी नहीं होना चाहिए. फोर्थ केस में कि वो आईडी ठीक डाल देता है, पासवर्ड इनकरेक्ट डाल देता है तब भी नहीं होना चाहिए. आईडी रॉन्ग डाल देता है, पासवर्ड ठीक डालता है तब भी नहीं होना चाहिए. देन एक केस होता है जिसमें वो दोनों को ठीक डालता है देन वो लॉगिन होना चाहिए. तो इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो कि हम एक ही रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए देखते हैं, क्या ये रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही. इनकरेक्ट वैल्यूज के लिए भी तो वो ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहा. ये सारी चीजें इस तरह से टेस्ट केस में डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर टेस्टिंग की जाती है टू अनकवर hidden bugs and also ensure that the software is usable and reliable. अब यहाँ पे टेस्ट क्या होता है कि टेस्ट कवरेज की बात होती है. टेस्ट कवरेज से क्या मतलब है, जैसे हमारा ये एक सॉफ्टवेयर है, पूरा राउंड हम कहते हैं ये सॉफ्टवेयर है, तो मैं इस सॉफ्टवेयर के हर उस पे टेस्ट करूंगी, हर हर पॉइंट पे टेस्टिंग करूंगी कि यहाँ पे ये सारा. आपने प्रोडक्ट किसी लॉन्च करनी है मार्केट में या आप किसी यूजर को दे रहे हो तो आपकी रेपुटेशन इन्वॉल्व होती है, कंपनी की रेपुटेशन होती है. आप उसे कभी भी डिग्रेड नहीं करना चाहते, रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहते क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे. तो आप उसको इस तरह से टेस्ट करके देते हो ताकि आपको जब श्योर हो जाता है कि इसमें 100% कोई एरर्स नहीं है देन आप उसे लॉन्च करते हो. तो हर पॉइंट की कवरेज का मतलब क्या होता है कि टेस्ट कवरेज का मतलब ये है कि पूरे सॉफ्टवेयर की हमने एक एक पोर्शन एक एक जगह से उसे टेस्ट कर लिया है और वो सही चल रहा है. अब ये अभी रिसर्च हो रही है डिफरेंट कि हम जो टेस्ट केसेस हैं वो, फॉर एग्जांपल ये सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए 1000 टेस्ट केसेस बने हैं तो हम 1000 टेस्ट केसेस जो है वो पूरी कवरेज 100% कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग की. अगर ये 1000 टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं इसका मतलब है कि ये सारा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है. अब 1000 टेस्ट केसेस की जगह हम टेस्ट केसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 टेस्ट केसेस हम कर देते हैं, 100 टेस्ट केसेस परफॉर्म करने करके हम जो है वो 100% गेट कर लेते हैं, ये सारी कवरेज गेट कर लेते हैं. किस तरह से हम टेस्ट केसेस को डिजाइन करें कि वो कम टेस्ट केसेस जो है फुली कवर कर ले, सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर ले कम टेस्ट केसेस यूटिलाइज करते हुए, हमें ज्यादा टेस्ट केसेस टेस्टिंग ज्यादा टाइम ना लगे, टेस्ट केसेस ज्यादा ना बनाने पड़े. सो तो इस तरह की रिसर्च डिफरेंट टाइप की रिसर्च हो रही है जिससे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. इस पर डिफरेंट आर्टिकल्स होंगे आप पढ़ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, पहले हमने देखा टेस्टर्स के क्या ऑब्जेक्टिव है. अब टेस्टिंग का क्या मकसद है, एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद द intent of finding an error.
टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग का मकसद ही एरर को फाइंड आउट करना होता है, टू चेक इफ द सिस्टम मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली इन द इंटेंडेड एनवायरमेंट. मीट्स द रिक्वायरमेंट टू चेक इफ द सिस्टम इज फिट फॉर पर्पस, टू चेक इफ द सिस्टम डज व्हाट इज इट इज एक्सपेक्टेड टू डू. ए गुड टेस्ट केस इज वन दैट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड एज येट अनडिस्कवर्ड एरर. गुड टेस्ट इज नॉट रिडंडेंट, ए गुड टेस्ट शुड नीदर बी टू सिंपल नॉर बी टू कम्प्लेक्स. अच्छा, टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव में हमने देखा टेस्टिंग का मकसद क्या है कि एरर फाइंड आउट करना. अब जो एरर फाइंड आउट करना, जो हमारा सिस्टम है, एक तो एरर फाइंड आउट करना, हमारा सिस्टम जो है रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, फिर जिस पर्पज के लिए बना हुआ है उस पर्पज को पूरा करना चाहिए. If the system, what does it expected to do? A good test case is one that has probability of finding. अच्छा, टेस्ट केस क्या होता है? टेस्ट केसेस आप बनाते हैं, जैसे मैंने आपने कहा यूज केसेस से आप रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई, यूज केसेस से आप टेस्ट केसेस बनाते हैं. जैसे मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड की आपको एग्जांपल दी थी, तो इस तरह हम टेस्ट केसेस भी बनाते हैं. टेस्ट केसेस जो टेस्ट करते हैं, अब एक अच्छा टेस्ट केसेस टेस्ट केस क्या हो सकता है? अब हो सकता है कि आप लोग अपने ऐसे टेस्ट केस बना लो, आपका दिल करेगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसमें से एरर ना निकले और जल्दी लॉन्च हो जाए, मार्केट में चली जाए, और हम ऐसे टेस्ट केस बना लें जिनमें से एरर ना निकले, तो वो अच्छे टेस्ट केस नहीं होते. आप बुरा टेस्ट केस क्या होता है? टेस्ट केस टेस्टिंग का मकसद ही क्या है? एरर को निकालना. तो आपने सिस्टम में से टेस्टिंग कर भी ली है, कोई एरर नहीं निकली, तो वो तो गलत बात है. आपने एफर्ट लगाई भी है फिर भी एरर नहीं निकली. एक अच्छे टेस्ट केस का मकसद ये होता है कि उसमें जिसनी सिस्टम में जो एरर निकल गई है वो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं. जो एक तो कुछ तो एरर निकल गई होंगी, लेकिन कुछ एरर स्टिल एग्जिस्ट करती हैं. तो एक अच्छे टेस्ट केस का मकसद ये है कि वो एरर को फाइंड आउट करे जो कि अनडिस्कवर, जो अभी तक नहीं डिस्कवर हो चुकी. ए गुड टेस्ट इज नॉट रिडंडेंट. अब आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, जैसे मैंने आपसे कवरेज की बात की थी कि ये सारा सॉफ्टवेयर है और टेस्ट केस डिफरेंट पोर्शन को कवर कर रहे हैं, कि ये हमने इतना पोर्शन टेस्ट कर लिया, एक टेस्ट केस ने इतना पोर्शन, एक टेस्ट केस ने इतना पोर्शन कर लिया. अब एक अच्छा टेस्ट केस क्या कौन सा होता है? जो कि एरर्स को, जितनी जो एरर्स रहती हैं उनको डिस्कवर करे, और टेस्ट केस को टेस्टिंग रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए. मतलब एक दफा मैंने एक पोर्शन टेस्टिंग कर लिया, कोई और टेस्ट केस बनाया वो भी उसी पोर्शन की टेस्टिंग कर रही है. जैसे यूजर आई डी पासवर्ड वाले पोर्शन की टेस्टिंग हो गई थी, अब कोई और यूज केस है वो फिर से वही टेस्टिंग कर रही है, तो उसका मकसद वो तो फजूल है. हम एक पोर्शन की एक दफा चेकिंग कर चुके हैं, तो हमें दोबारा उसी पोर्शन की चेकिंग करने की क्या जरूरत है? तो वो रिडंडेंसी, वो हमारा काम जो है वेस्ट हो रहा है. गुड टेस्ट शुड नीदर बी टू सिंपल नॉर बी टू कम्प्लेक्स. टर्म्स हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. आप डिफरेंट इंटरव्यूज, अगर आप आगे जाके कुछ इंटरव्यूज देते हैं तो उसमें भी आपसे पूछी जाती हैं, और डिफरेंट जगहों पे आपके सामने आएंगी ये टर्म्स. कंफ्यूजिंग हैं, एक दूसरे के रिलेटेड हैं लेकिन कंफ्यूजिंग भी हैं. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आर द एल्गोरिदम कोडेड करेक्टली? वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? जो फंक्शनैलिटी आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, क्या आपने वो ठीक इम्प्लीमेंट की है, वो करेक्टली? जैसे हमने बिजनेस लॉजिक की बात की थी कि टैक्स 7% टैक्स डिडक्शन होनी चाहिए. एक तो वो है जो कि सिंटैक्स एरर्स होंगी जो कि वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे. एक वो होता है लॉजिक की एरर है, जैसे आपने करेक्टली जिस एल्गोरिदम के थ्रू आपकी कंपनी का जो बिजनेस रूल था उसके अकॉर्डिंग जो आपके माइंड में है आपने वो फंक्शनैलिटी सही से इम्प्लीमेंट की है. The set of activities that ensure that the software correctly implements a specific function, algorithm. ये assure करती हैं, ये verification क्या होती है? वो ensure करती है कि software जो implement आपने algorithm किया है वो correctly है. Involves reviews and meeting to evaluate the documents, plan, code requirements, specification usually done by with checklist, issue list, walkthrough and inspection meeting. अच्छा, verification क्या होती है? कि आपने एल्गोरिदम को सही कोड किया है, पर जो फंक्शनैलिटी आप करने जा रहे हो क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हुई है? जो आप करना चाह रहे थे वही इम्प्लीमेंट आपने किया है. ये इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है? डिफरेंट तरह की चेकलिस्ट होती है, इशू लिस्ट होती है, वॉक थ्रू किया जाता है, और इंस्पेक्शन मीटिंग होती है. इंस्पेक्शन मीटिंग वॉक थ्रू कैसे होता है? जैसे आपने, मैं आपको एक चेकलिस्ट दे देती हूँ और आपको दूसरे बंदे की असाइनमेंट दे देती हूँ, आपकी असाइनमेंट आपस में शफल करवा देती हूँ और कहती हूँ कि आपने, जैसे आपकी एसआरएस आप लोग मुझे सबमिट करवाओगे, तो मैं एक चेकलिस्ट दूंगी जिसमें ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं
और तो मैं आपकी असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट है सर ऐसा है वो सब में शफल कर देती हूँ और चेकलिस्ट दे देती हूँ, आप चेकलिस्ट में देख लेती हो, हाँ ये वाली चीजें ये वाली हैं, ये वाली कुछ चीजें हैं जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो चेक हो जाता है। इसमें से इंसेप्शन मीटिंग आप डिफरेंट मीटिंग करके एक दूसरे से डिस्कस करके वो कर लेते हैं। अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस में ये एक्टिविटी की जाती है। अच्छा वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि हमने जो काम करना चाह रहे हैं जो फंक्शनैलिटी वो हमने करेक्टली इंप्लीमेंट कर ली है, ये कैसे चेक किया जाता है डिफरेंट वॉक थ्रू इंस्पेक्शन मीटिंग से, जिसमें हम जैसे हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एसआरएस बनाई है उसको वैल्यूएट किया जाता है, कोई प्लान हमने बनाया कोई कोड किया जाता है, कुछ भी चीज जो होती है हम उन सारी चीजों को इसमें इंस्पेक्ट करते हैं वैल्यूएट करते हैं क्या हमने सही किया है। वैलिडेशन का क्या मिलता है, डज इट मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट, एक तो ये जो फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं वो हमने सही इम्प्लीमेंट की है वेरिफिकेशन में होता है, और वैलिडेशन में क्या होता है कि क्या ये यूजर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। द सेट ऑफ एक्टिविटीज डेट इंश्योर डेट द सॉफ्टवेयर डेट हैज बीन बिल्ट इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर बिल्ड हुआ है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ट्रेसेबल है। इन्वॉल्व एक्चुअल टेस्टिंग एंड टेक्स प्लेस आफ्टर वेरिफिकेशन आर कंप्लीटेड, यूजली ये एक्चुअल टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है जिसमें चेक किया जाता है कि जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो ट्रेसेबल है कस्टमर रिक्वायरमेंट के, और ये एक्चुअल टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वेरिफिकेशन पहले होती है और बाद में की जाती है, और वेरिफिकेशन का मकसद क्या है कि जो इंटरनली ये हम ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंटरनली जो फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं क्या हमने वो करेक्टली इम्प्लीमेंट की है। तो ये इन दोनों में दोनों टर्म्स रिलेटेड हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सारे स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना है। ये कंटिन्यू इन साइकिल एंड कंटिन्यू इन द साइकिल टिल द सॉफ्टवेयर बिकम डिफेक्ट फ्री, ये भी एक वो स्ट्रॉन्ग सी टर्म है डिफेक्ट फ्री, कोई भी क्या हम इस पे बात करेंगे क्या कोई सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई 0% भी डिफेक्ट ना हो, क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेजेस, अच्छा जैसे सारे लाइफ साइकिल जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का लाइफ साइकिल था जिसमें 7 डिफरेंट फेजेस थी, एनालिसिस में हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाए, डिजाइन में डिफरेंट मॉडल बनाए, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में कौन कौन सी फेजेस होती है जब हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं रिक्वायरमेंट की स्टडी की जाती है, ऑब्वियसली सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है टेस्ट रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस एंड प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग की जाती है रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के लिए कि हम टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, टेस्ट केस डिजाइन ये जो प्लानिंग की है फिर हम डिजाइन करते हैं टेस्ट केसेस बना लेते हैं कि जैसे यूजर नेम रॉन्ग ऐड करके यूजर पासवर्ड रॉन्ग एंटर करके यूजर नेम खाली करके पासवर्ड भी खाली हम एंटर करके देख लेते हैं तो क्या है उस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, टेस्ट फिर जो हमने टेस्ट केसेस बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं चला के देख लेते हैं, क्लोजर क्लोजिंग करते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, और टेस्ट प्रोसेस एनालिसिस इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा टोटल जो टेस्टिंग का प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को एनालाइज कर लेते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कि इस स्टेप में क्या होता है, रिक्वायरमेंट स्टडी क्या होती है, टेस्टिंग साइकिल स्टार्ट्स विद द स्टडी ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जब मैंने कहा रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो जाती है तो टेस्टिंग टीम भी काम अपना स्टार्ट कर देती है, वो टेस्ट केस उसने बनाने होते हैं, सबसे पहले वो सिस्टम को स्टडी करती है कि एक्चुअल में सिस्टम में क्या क्या होगा, रिक्वायरमेंट स्टडी कर रही होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर द टेस्टिंग द प्रोडक्ट, क्यों, एक्चुअल में उन्होंने सॉफ्टवेयर जो होता है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ट्रेसेबल होना चाहिए और जो टेस्टिंग करनी है वो उन्होंने रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट ही करनी है, क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो या नहीं हो रही, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। एनालिसिस एंड प्लानिंग फेज में क्या होता है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड कवरेज, कवरेज यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट का मकसद क्या है और जो कोई सी भी टेस्ट केस का मकसद क्या है और कवरेज में क्या चीज आती है, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कवरेज का मतलब ये है ये हमारा सॉफ्टवेयर इतना पोर्शन हमारा सॉफ्टवेयर का है तो इसका हर हर पॉइंट जो है वो आपने टेस्ट टेस्ट करना होता है, हर हर जगह पे टेस्ट करना होता है ताकि टोटली जो है हर हम जब लॉन्च करते हैं तो हम कहेंगे हमने इसको इतने अच्छे से टेस्ट कर लिया हुआ है कि किसी भी एरिया में एरर नहीं आ रही, कि एरर कहीं पे भी छुपी हुई हो सकती है कोई मिस्टेक, तो हमें डिस्कवर करना होता है कि वो सारी प्रॉब्लम्स हमें फाइंड आउट कर ली है। ओवरऑल स्केजुअल टेस्टिंग परफॉर्म करने का कुछ स्केजुअल होता है कि किस स्केजुअल में कौन से टेस्ट केस कब रन होंगे हम वो बना लेते हैं, प्लानिंग में स्टैंडर्ड्स एंड मेथोडोलॉजी हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होंगे टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, उसमें टेस्टिंग वो प्लान किए जाते हैं
रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, कौन से टीम मेंबर क्या काम करेंगे और कौन से टूल्स को यूज करना है टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। ऑटोमेटिक टेस्टिंग की जाती है तो डिफरेंट टूल्स को थ्रो किया जाती है। टेस्ट केस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, थर्ड स्टेप हमारा आता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, उसमें हम एक्चुअल में टेस्ट केसेस बनाते हैं। कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे ऑथेंटिकेशन एक कंपोनेंट है, कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं इस फेज पे, देन हम ऑथेंटिकेशन के लिए टेस्ट केसेस बनाए, देन दूसरे सो ऑन हम कंपोनेंट्स के लिए बनाते जाते हैं। टेस्ट स्पेसिफिकेशन डिजाइन और डिजाइन और रिव्यू, टेस्ट एग्जीक्यूशन, जब हमने टेस्ट केसेस बना लिए देन हमने एक्चुअल में उन्हें परफॉर्म करना है। कोड का रिव्यू किया जाता है, टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है उन्होंने कितने। क्लोजर, क्लोज किया जाता है टेस्ट समरी रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल 100 टेस्ट केसेस हमने टेस्टिंग में 100 टेस्ट केसेस को रन किया और उसमें से हमारे 98 जो है वो सक्सेसफुली रन हुए हैं, जिनके रिजल्ट पास हो गए हैं, और जो दो टेस्ट केसेस जो थे हमारे फेल हो गए हैं, जिनमें एरर्स आई हैं। हो सकता है ये एरर, कुछ टेस्ट केसेस फेल हो गए हैं और अब फेल वालों जिनको कवरेज कर रहे थे उनके लिए दोबारा से हम टेस्ट केसेस बनाएंगे, और जो टेस्ट केसेस में कितनी एरर्स निकली हैं और वो एरर्स जो है वो नेक्स्ट पास की जाती हैं टीम को रिमूव करने के लिए। प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, तो इस सारे को हम टेस्ट प्रोसेसिंग एनालिसिस, रिपोर्ट्स जो है प्रीवियस में क्लोजर में हमने रिपोर्ट्स बनाई, कितनी एरर्स निकली, कौन कौन से एरर्स किन मॉड्यूल से, किन टेस्ट केसेस ने निकाली, तो ऑन to improve the application performance by implementing new technology and additional features। यहाँ पे हम वो कर सकते हैं, जैसे कोई न्यू टूल आया है उस टूल के थ्रू अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं